लेट, आपका बोलने का मतलब है लेट। फैमिली के आगे लेट लग गया, इंसाफ मांगते मांगते मैं इलेक्शन लड़ने के लिए आ गई। 15 साल से जिनके कान पे जू नहीं रहेंगी वो अर्ली और हम लेट है। फ्री टाइम जिस तरह से आमदार रहे वो आमदार के काम को लेकर के क्या इलाके में चीज को संतुष्टि नहीं है, और क्या आपको ये नहीं लगता है किसी चीज का कि आमदार रह चुके हैं और उसके अगेंस्ट में आप जो है यहाँ पे इलेक्शन आपने आजाद उम्मीदवार से पर्चा भरा है, क्या कहेंगे? देखिए, किसी के अगेंस्ट नहीं होता है, लड़ाई जो होती है थॉट की लड़ाई होती है, विचारों की लड़ाई होती है। और जो आमदार हमारे 15 साल से, जैसे आप बोल रहे हैं मुझे डर नहीं लगती, डर किस बात का, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। डर उसको लगे जो एक बहुत स्ट्रांग काम किया कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 15 साल में बहुत चेंजेस लाए हो और मैं कुछ नहीं कर सकती तो मुझे डर लगेगा। वो कुछ भी नहीं किए, आप उठा के किसी से भी पूछिए, 15 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो मुझे डर लगे फॉर्म भरने के लिए, नॉमिनेशन के लिए। डर कॉम्पिटिटर से लगता है, ही हैज नॉट डन एनीथिंग, सो आई कम टू रेज माई वॉइस। क्या लगता है इस तरह से मुंबा देवी का जो एक खाना है जाता है विधानसभा का, और यहाँ पे काफी ज्यादा बहुत से इश्यूज हैं इस पे जो है ना, पूरी जो यहाँ की आम जनता किसी न किसी कहीं ना कहीं तरीके से जो है बेचैन पाई जाती है बहुत से, क्या क्या मुद्दों को लेकर चलेंगी आप, और ऐसे 3 मुद्दे बताइए जिसको आप करना चाहते हैं। इशू ही है, मुद्दे ही है, मुद्दे के अलावा मुंबा देवी में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं है। दूसरी चीज हेल्थ केयर जो बिल्कुल भी नहीं है, और ड्रेनेज सिस्टम, द वर्स्ट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रेनेज सिस्टम, उसी से कनेक्टेड ये सारी चीजें, तो ये 3 मुद्दे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। नहीं, आपका ये इतना लेट जो है प्रचार करने का मतलब क्या, यानी प्रचार सभा तो काफी टाइम से शुरू हो चुकी है 4 तारीख से, तो इतना लेट की वजह क्या है आपके हिसाब से? जल्दी क्या है आपके हिसाब से? जल्दी ये है कि हम लोग एक सिटिंग एमएलए हो या सिटिंग कॉर्पोरेटर हो, वो जो काम नहीं किया, जिनके कान पे कभी जू नहीं रहेंगी, वो अर्ली और मैं लेट हूँ। लेट का क्या मतलब होता है? फैमिली के आगे लेट लग गया तो अब लेट ना हो, इसके लिए मैं इलेक्शन पे उतरी हूँ, एंड आई वांट टू बिकम अ वॉइस ऑफ ईच एंड एवरी वन, अ कॉमन मैन, दैट्स इट। मुंबा देवी विधानसभा की आम जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगी और क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से आप जनता को जो है आपकी तरफ रुझान करने का आह्वान करेंगे? मैं यही कहूंगी कि मुझे भी वोट ना दे, लेकिन जिसको वोट दे रहे उससे सवाल करें, ही इज अ पब्लिक सर्वेंट, ही इज नॉट अवर यू नो मालिक नहीं है वो हमारे पब्लिक सर्वेंट है, हम उनको चुन के भेजते। तो मुझे वोट दे ना दे, दैट इज डिफरेंट टॉप, बट जी कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट ऐसा नहीं, मैं वोट नहीं, क्यों नहीं कह सकते? वोट दे ना दे मतलब कैंडिडेट नहीं, मैं चाहती हूँ लोग, आवाम जो है हमारी वो जागे। हर इलेक्शन में वोट देते और 5 साल वो खामोश रहते, और 4.5 साल के बाद T20 चलता है, फिर 1-2 महीने पहले काम होते हैं, फिर 5 साल हमारी पब्लिक सो जाती है। तो ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको मुंबा देवी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप उठा के पूछेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, तो हर आदमी कॉमन तकलीफ बताएंगे, और लोग थक चुके। मेरे जो जानने वाले अब ये बोलते हैं मैडम आप उतरी तो आपको वोट देंगे, वो किस दे दे के वोट थक चुके, तो ये लोगों का रुझान है। आप जाके देखिए, सिंबल पे लड़ना इज नॉट अ बिग टास्क, द टास्क इज दैट यू हैव नॉट डन एनीथिंग, एंड आई चैलेंज टू दैट टास्क। सिंबल आपका क्या, थोड़ा बताएंगे जनता को हमारा सिंबल ये है या इस तरह से आप? मेरा सिंबल जहाज है, और उसका डेफिनेशन मुझे इलेक्शन कमीशन की ऑफिस के बाहर ही पूछा गया था। तो एक जहाज का वही मतलब होता है, समंदर में से चीर के जाओ और देन लहरे आके उस पर टकरा के खत्म होती है। जनता मतलब अगर वोट करे तो कितना नंबर का बटन है आपका इस बार? 11 नंबर का बटन है। देखिए, मैंने आपको कहा कि मैं इलेक्शन में जो उतरी हूँ मेरा विजन और है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो खरीदी और बिक्री का बहुत फरोख पर है, सब कुछ बहुत चल रहा है। मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ, टूटने वालों में से नहीं, और जिनके साथ मैं फाइट कर रही हूँ वो खुद भी ये जानते हैं। तो मेरा एक ही मिशन है कि जो भी लोग हैं हमारी कम्युनिटी के, अदर माइनॉरिटीज के, वो जिनको भी वोट दे रहे हैं उनको सवाल करना चाहिए कि वो वोट जो देते हैं उसके बाद उनका क्या। रहा सवाल तो देखा जाए कि जनता का सवाल है, मुद्दे है, समस्या है, लेकिन आपकी क्या समस्या है, आपको इतना फाइट करने के लिए एकदम बिल्कुल बिकना नहीं है, खड़े रहना है, और ये क्या वजह क्या है आपका? वजह ये है कि मैं यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी की रहवासी हूँ, और मैं डोंगरी की बेटी हूँ, मैं अपने लोगों की प्रॉब्लम जानती हूँ, आई एम अ कॉमन लेडी फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जो आपसे अलग है या मेरे से अलग है। आप कहाँ रहते हैं? यही रहते हैं। तो आप मुझे 2 काम बताइए जो 15 साल में अगर मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं गलत उठी हूँ, बताइए क्या है? ट्रैफिक मसला है जिस तरह से देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा। नहीं, मैं आपको मसले बताती हूँ। तालीम के लिए हम एरिया से बाहर जाते हैं,
हेल्थ के लिए हम एरिया से बाहर जाते हैं, ड्रग्स इतना है, रिहैब सेंटर नहीं है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम इतना है कि हम लोग हर बार कॉर्पोरेटर के दरवाजे पे खड़े, ट्रैफिक, हर चीज इंटरकनेक्टेड। मैं बोलूंगी सब बोलूंगी ऐसा नहीं है, लेकिन आपने मुझे पूछा ना कि मुद्दे क्या, तो तीन चीज ये है कि हेल्थ डेवलपमेंट और एजुकेशन, सबसे ज्यादा एजुकेशन। आई बीइंग एजुकेटेड वुमेन आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि एजुकेशन हर उस कम्युनिटी के बच्चे को मिलना चाहिए, और हमारे यूथ सबसे ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ के लिए काम होना चाहिए। आजकल के यूथ ग्रेजुएट और एमबीए भी करे हुए होते हैं ना, तब भी बेचारे स्विगी और जोमेटो में काम करते हैं। मेहनत करने में शर्म नहीं है, लेकिन क्यों हमारा तबका इतना जाहिल, क्यों हमारा तबका इतना गरीब, और उसमें क्यों हम क्यों डेवलप नहीं है। आप आजू बाजू की कॉन्स्टिट्यूएंसी उठा के देखिए, आप बैकल और कुलाबा देखिए, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा। हम ऐसा लगता है हम धारावी में रह रहे हैं, धारावी भी एक जगह है आज, वो भी डेवलप होने जा रही है। हम कब डेवलप होंगे, एक तिहाई हमने अपनी जिंदगी दे दी, एक तिहाई हमने जिंदगी दे दी, एक बच्चा नौजवान होने लग गया, 20 साल 15 साल हमने दे दी, और आप चाहते 5 साल और दे दे, किस भरोसे से दे दी। मैं आपसे पूछती आपके मीडिया के थ्रू, मुझे बताइए, आपको मेरा जवाब देना पड़ेगा। 15 साल के बाद भी अगर चेंजेस नहीं और 5 साल देना है तो किस बेस पे देना है। तो मैं अपने आपके थ्रू सबको ये बोलना चाहूंगी कि आप या तो उनको जिता दीजिए या उसको जिता दीजिए, वन साइड होके जो आपके लिए आवाज बने। ओके, थैंक यू सो मच।